सोचता हूँ जो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। पिछले 10 साल तक जिस पार्टी ने और उसके शहजादे ने मोदी सरकार को अंबानी की सरकार बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा, वो इस चुनावी मौसम में एक बार भी इस आरोप को लेकर सामने नहीं आ रही है। ये थोड़ा अजीब तो लगता है, क्योंकि एक वक्त तो बात यहां तक आ गई थी कि जब मोदी सरकार को अंबानी के नाम पर घेरा जा रहा था, तब शहजादे ने पूरे के पूरे विपक्ष को लेकर ही चलते सदन से वॉकआउट कर दिया था। कांग्रेस और रिलायंस का ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने थोड़े पीछे पलटने पड़ेंगे। रिलायंस की शुरुआत तो बहुत ही साधारण सी हुई थी, और देखते ही देखते उसने कैसे पूरी इंडियन बिजनेस मार्केट की कहानी बदल डाली, ये चीज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। और ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज किसी पॉलिटिकल बैकअप के बिना नहीं हो सकती, ये बात तो एक बच्चा भी पहचान सकता है। अब कुछ तार जोड़ते हैं और कुछ तार खोलते हैं। रिलायंस के फाउंडिंग फादर धीरूभाई अंबानी अपने काम के शुरुआती दौर में अक्सर नई दिल्ली आते जाते रहते थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। वो अक्सर ही अपने साथ अपने सूद व्यापारी मुरली देवड़ा के साथ दिल्ली जाया करते थे, जो उस समय मुंबई की ही कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम यानी कंपनीज एक्ट की एक धारा डायरेक्टर्स को किसी भी पार्टी को राजनीतिक योगदान यानी चंदा देने की अनुमति देती है। इसे 1969 में निरस्त कर दिया गया था, जैसा कि संशोधन की निगरानी करने वाले एक अधिकारी ने बाद में माना कि इससे काले धन के माध्यम से राजनीतिक भुगतान होना आसान हो जाएगा। कंपनियों को अंडर ओवर इनवॉइसिंग, सिटीएस सेल्स आदि के माध्यम से ब्लैक मनी जनरेट करना पड़ेगा। धीरूभाई ने जनता गठबंधन को विभाजित करने के लिए इंदिरा गांधी के प्रयासों के पीछे अपने सारे संसाधन भी झोंक दिए थे, जो कि पूर्व मंत्री चरण सिंह की महत्वाकांक्षाओं पर केंद्रित था। चरण सिंह, जिनके पास उत्तर प्रदेश में किसानों की समृद्ध जाट जाति का एक बड़ा पावर बेस था, धीरूभाई की भूमिका सांसदों को सरकारी बेंच छोड़ने और अलग समूह में शामिल होने का जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करने की थी, और इसके लिए वो आवश्यक नकदी के सूटकेस प्रदान करते थे। 1989 के चुनावों के बाद माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में ये पाया गया था कि रिलायंस के अधिकारी पूरी दिल्ली में राजनेताओं को नकदी के ब्रीफकेस पहुंचा रहे थे, और ये बात राजीव गांधी के युग के दौरान की है। ये बात इंडियन एक्सप्रेस के प्रेस बैरन रामनाथ गोयंका और पुराने पारसी टेक्सटाइल राइवल नुस्ली वाडिया के बीच एक बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय था। बॉम्बे के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के जासूसों ने रिलायंस के पब्लिक रिलेशंस और कस्टम्स एंड एक्साइज मैटर्स के जनरल मैनेजर कीर्ति विरजल अंबानी को गिरफ्तार किया था, और उन पर 1989 में नुस्ली वाडिया की हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। लंबे समय तक रिलायंस के कर्मचारी रहे कीर्ति जी का मूल नाम कीर्ति शाह था, लेकिन वो रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी से इतने प्रेरित थे और इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपना नाम बदलकर अंबानी रख लिया। उनकी गिरफ्तारी पर तब के महाराष्ट्र सीएम पर राजीव गांधी से दबाव बनाया गया कि वो ये केस सीबीआई को सौंप दें। धीरूभाई ने राज्य विधानसभा के लगभग एक तिहाई कांग्रेस सदस्यों को नियंत्रित करके रखा था और दबाव बनाने में काफी सक्षम थे। बस फिर क्या था, कीर्ति शाह या कीर्ति अंबानी जी का केस सीबीआई को गया, जज ने फैसला उनके हित में दिया और सीबीआई डायरेक्टर एमजे कात्रे को इसके लिए एक मर्सिडीज मिली। अब दोस्तों, ये सब जानने के बाद ये सवाल आप खुद से पूछिए कि बीजेपी और मोदी को अंबानी की कठपुतली कहने वाली कांग्रेस और उनके शहजादे का परिवार खुद अंबानियों से कितने नजदीक है। शायद इसी व्यवहार का शगुन चुनाव से पहले ट्रकों में कांग्रेस को पहुंच गया है, और इसीलिए वो अंबानी के नाम के आरोपों के बाण इस चुनाव में मोदी या बीजेपी पे नहीं छोड़ रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है?